Finally, one of the most anticipated movie of 2019, Super 30 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. मच डिलेड मूवी है, जनवरी 2019 में रिलीज होनी थी लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहत के बिना पर वो रिलीज नहीं हो पाई. आज उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है तो आइए मिलकर रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं इज इट वर्थ टू वेट. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट, मेरे दो चैनल फैमेटिक्स एंड इनसाइडर बॉक्स, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और वीडियो के एंड में भी. प्लीज़ मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और उसी तरह सपोर्ट कीजिए जिस तरह आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फवाद. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल. सुपर 30, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2019. ऋतिक रोशन काफ़ी अरसे के बाद सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर हो रहे हैं. काबिल उनकी लास्ट मूवी थी जो अच्छी खासी सक्सेसफुल रही थी. इस मूवी में वो मेन लीड प्ले कर रहे हैं और आनंद कुमार जो इंडियन मैथमेटिशियन जीनियस हैं उसका रोल अदा कर रहे हैं. आनंद कुमार के हवाले से ये बताता चलूं कि आनंद कुमार सुपर 30 के नाम से एक एजुकेशनल प्रोग्राम रन करते हैं इंडिया में. उनका ताल्लुक पटना बिहार से है और वो IIT JEE के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं और उन्होंने बहुत से जीनियसिस को ट्रेन किया है जो इस वक्त इंडिया में और इंडिया से बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. तो ये मूवी टोटली बेस्ड है आनंद कुमार की लाइफ पर, उनकी जर्नी पर, उनको किस तरह से मोटिवेशन मिला ये प्रोग्राम स्टार्ट करने का और किस तरह के हर्डल्स आए और अभी तक आ रहे हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने आनंद कुमार के बारे में बहुत सुना है और एक जीनियस हैं और जीनियस लोगों की कदर करनी चाहिए. तो देखते हैं कि ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार की लाइफ जर्नी के साथ इंसाफ किया है कि नहीं. वीडियो स्टार्ट करते हैं. If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Ji ha, India se, third world country, cheap labor ka desh. Phir hum sochte hain कि पेप्सिको का वर्ल्ड वाइड हिट कौन है, यूनिलीवर कौन चला रहा है, मास्टर कार्ड, वोडाफोन, डॉश बैंक. अगर किसी को नहीं पता तो गूगल कर लीजिए और लगे यार ये भी गूगल कर लीजिए कि गूगल का हेड कौन है. वो भी बहुत जबरदस्त बात की, नो डाउट अबाउट इट. नो डाउट हमारे तो ऐसे सबसे ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है तो लुक एट हिम मैन, वाओ, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, ब्रिलियंट टीचर. ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को. इन्होंने पढ़ा दिया तो आप VIP लोगों की VIP एंट्री हो गई IIT में. इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? ऐसा स्टार बनाएंगे अनंत को कि दुनिया देखेगा, करोड़ों कमाएंगे. आनंद जी अपना सेंटर शुरू किए हैं, फ्री कोचिंग. आनंद जी ये चीटिंग है ये. तो किस्मत इन बच्चों के साथ जो किया वो क्या प्रतिवाद, ये साधन नहीं दिए, चीटिंग नहीं तो और क्या आशीर्वाद है. ड्राइवरी करते हैं, कचरे का ट्रक चलाते हैं, नमक के फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं. पिताजी नहीं है, सारे गरीब है. अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए. हमारी राम है बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है. हमको सलाह छलांग लगाना सिखाती है. जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे. बायोटेक इंजीनियर, मरीन आर्किटेक्ट, नासा. अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा. जबरदस्त बात. जबरदस्त ट्रेलर है, क्या जबरदस्त. ऋतिक रोशन ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है.
आपको भी लगता नहीं कि इज़ वन ऑफ द पॉश वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग हैंडसम मैन ऑन द प्लानट एट द मोमेंट, और किस तरह से आपने आपको ट्रांसफॉर्म किया है, एकदम गरीब बंदा, और तो ड्रेसिंग की है, मेकअप है, बालों का स्टाइल इज कम्प्लीटली गॉन इन टू स्किन ऑफ द कैरेक्टर, ब्रिलियंट ब्रिलियंट एंड जस्ट ब्रिलियंट. यहाँ पर मैं डायरेक्टर विकास बहल को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि किस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है इस मूवी को, ऋतिक रोशन को किस तरह से कैरेक्टर के लिए ढाला है. ऋतिक रोशन का जो बिहारी एक्सेंट है जिसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जब तक आप बिहार में पले बड़े ना हो या पैदा ना हो वैसा एक्सेंट जो नॉन बिहारी है वो नहीं अपना सकता, लेकिन ऋतिक रोशन ने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अडॉप्ट किया है. मुझे बहुत आई थिंक एक ऑथेंटिक एक्सेंट लगा है उनका बिहारी एक्सेंट जो है. तो विकास बहल के बारे में बात की जाए तो काफ़ी कॉम्पिटेंट डायरेक्टर हैं, उनका करियर ग्राफ कुछ ऊंचा नीचा ही है, बहुत सारी मूवीज़ उन्होंने प्रोड्यूस भी की है, एज असिस्टेंट डायरेक्ट भी की है, और जो डायरेक्ट की हैं उनमें काबिल जिक्र चिल्लर पार्टी, क्वीन, जिनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं और क्रिटिकली एक्लेम भी मिला है. तो एक किस्म का ये समझो कि ये जो आनंद कुमार की स्टोरी है ना बहुत कॉम्पिटेंट हैंड्स में है और हमें अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा. बायोग्राफिकल ड्रामा यूजली मैं पसंद नहीं करता क्योंकि वो बोरिंग होता है. आप या तो रीड कर लो उनके बारे में, कोई बुक पढ़ लो या कोई डॉक्यूमेंट्री देख लो, मगर ये फिल्म बहुत इमोशनली क्राफ्ट की गई है. आप ट्रेलर जब देखते हो तो एकदम बस बंधे रहते हो ट्रेलर के साथ, तो जब मूवी आएगी तो फिर क्या कमाल होने वाला है. आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या आप लोगों ने आनंद कुमार को देखा है? जो इंडिया में रहते हैं उन्होंने तो देखा होगा, लेकिन जो इंडिया से बाहर रहते हैं शायद उन्होंने कम ही देखा हो. ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, और आनंद कुमार एक्चुअल दोनों एक दूसरे रिजेंबलेंस बिल्कुल नहीं करते. वेल, जो मैंने पिक्चर देखी है तो उसके मुताबिक तो नहीं रखती, लेकिन जिस तरह से कैरेक्टर को ढाला है ऋतिक रोशन के, उनको गरीब दिखाया गया है, निचले तबके से दिखाया गया है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द मेकअप आर्टिस्ट और जो उनके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है यार, बहुत ज़बरदस्त. मैं तो बोल रहा हूँ मुझे बहुत मज़ा आया, आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी. आनंद कुमार के बारे में जब मैं कुछ रिसर्च कर रहा था अभी ट्रेलर के बाद एक्चुअली, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई, ऐसी क्या वजह थी कि आनंद कुमार को वो मोटिवेशन मिली सुपर 30 प्रोग्राम चलाने के लिए. तो रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये लिखा जाता है कि उनको मोटिवेशन मिली 2000 में, एक उनके पास गरीब तबके का लड़का आया जो IIT का एग्ज़ाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास इतनी रकम या पैसे नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सके, तो उससे मोटिवेशन उनको मिली. मेरे ख्याल में उसको उन्होंने सिखाया, पढ़ाया, ट्रेन किया, फिर 2002 में उन्होंने बाकायदा सुपर 30 का प्रोग्राम स्टार्ट किया, और गरीब तबके से जो जीनियस माइंडेड हैं, जो इस काबिल हैं कि वो IIT और JEE के एग्ज़ाम पास कर सकें या दे सकें, उनको पिक किया जाता है, और सिर्फ 30 पीपल को ही पिक किया जाता है हर साल, और उनका जो सक्सेस रेट है 90% से ज़्यादा है. लास्ट ईयर मेरे ख्याल में 95% का सक्सेस रेट था आउट ऑफ 30, आई थिंक 28 या 26 का सक्सेस रेट था, लेकिन उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया. बहुत से लोग बोलते हैं कि दो बंदे पास हुए, कुछ बोलते हैं 26. बहरहाल इस बंदे ने इंडिया को बहुत अच्छे अच्छे जीनियसेस दिए हैं, तो वी शुड रिस्पेक्ट हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट एज अ पाकिस्तानी, डेफिनेटली. हैज मूवी की तरफ वापस आते हैं तो ऋतिक रोशन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार, ये बंदा जो है ना कमाल है यार, बहुत ज़बरदस्त. मेरा ओपिनियन ऋतिक रोशन के बारे में कुछ इस तरह है कि वो अपने फादर के अलावा कोई सक्सेसफुल मूवी नहीं दे सकता, लेकिन इस मूवी पर सुपर रिटर्न, सक्सेसफुल रिटर्न ऑल ओवर. ऋतिक रोशन ने बहुत मेहनत की है एंड विकास बहल ने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम ने एक्चुअली बहुत मेहनत की है, तो उसको क्रिटिकली एक्लेम भी मिलना चाहिए और उसको अवार्ड्स के लिए नामजद भी करना चाहिए, जो कि वो होगी. इस ट्रेलर में मुझे बहुत सारे सीन पसंद आए, जो स्पेशली सीन है जिसमें वो साइकिल चलाते हुए एक अपना रेज दिखा रहा होता है और एक गुस्से वाली बात है, फिर उसके बाद जब वो अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने लगता है और वो एक स्पीच देता है, वाह अमेजिंग एंड अमेजिंग यार. ऋतिक रोशन सलाम है यार, मज़ा आ गया ये ट्रेलर देख कर. आई एम सो एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी. 12 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, मार्क योर कैलेंडर्स, मैं तो ज़रूर देखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो ज़रूर देखूंगा इस मूवी को, एंड होपफुली कि मैं इसको रिव्यू भी कर पाऊँ अगर मुझे टाइम मिला.
एक और चीज इस ट्रेलर में अच्छी लगी वो ये कि पंकज त्रिपाठी आइटम नंबर कर रहे हैं. वाह 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 वाह. पंकज त्रिपाठी इज वन ऑफ द जीनियस एक्टर्स इन इंडिया दीज डेज. बहुत जबरदस्त बिहारी एक्सेंट पकड़ते हैं भाई वो. मेरे ख्याल से खुद भी बिहारी ही है असल में वो. बहरहाल ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. आई जस्ट लव हिम टू वॉच ऑन द स्क्रीन. अगर उनका कैरेक्टर ज्यादा है उसमें तो मजेदार बात है. अगर आइटम नंबर है तो फिर समथिंग डिफरेंट. यूजली जो होती है फीमेल का एक्ट्रेस जो होती है आइटम नंबर करती हैं. इस दफा पंकज त्रिपाठी को आइटम नंबर का. हाँ इट्स वर्थ टू वॉच एक्चुअली. इट्स रियली रियली वर्थ टू वॉच. दैट्स इट गाइस. मेरा रिएक्शन बस यहीं तक था. अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ. फैला दो यार इसको, बस फैला दो. बोलो कि बस यही रिएक्शन चैनल है जो ज़बरदस्त और पैशनेट ऑनेस्ट अनबायस्ड रिएक्शन और रिव्यू करता है. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. क्यों नहीं कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी कीजिए. और बेल बटन को तो प्रेस करना ना भूलिए फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. स्टे सेफ, खुश रहें. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय.